एक विरा आई में लोगों की गहरी आस्था है और उनका विश्वास है कि देवी से जो भी मांगा जाता है वो उनकी इच्छा जरूर पूरी करती है। साथ ही यहाँ की ये कारला गुफाएं ही अपने आप में ऐतिहासिक हैं। ये कभी बौद्ध धर्म का एक बड़ा अहम केंद्र रही थी। यहाँ पहाड़ पर चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया है, जो देखने में ही बड़ी अद्भुत हैं। इन गुफाओं में आज भी भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां विद्यमान हैं, जिनमें वो अलग अलग मुद्राओं में नजर आ रहे हैं। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर पांचवी सदी ईस्वी तक किया गया था। माना जाता है कि यहाँ की सबसे पुरानी गुफा 160 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यहाँ की मुख्य गुफा है गुफा संख्या 8, जिसे चैत्य गुफा कहते हैं, और ये आज भी बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। अब तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी इन गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। आज इस चैत्य गुफा के अंदर कुछ पुरुष और स्त्रियों की मूर्तियों के अलावा कुछ जानवरों की मूर्तियां ही बच गई हैं। अब हम जानते हैं एक विरा आई के भक्तों के बारे में। एक विरा आई के दर्शन के लिए लोग स्वयं को कष्ट देकर भी यहाँ आते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी मन्नत पूरी हो गई है। देवी को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। यहाँ के एक पुजारी ने हमें देवी के चमत्कार के बारे में बताया। ये रविवार पड़ल पावने पावसा पड़ला। पहले हे खाली उंदीर पोखरून खात होत, आणि हे बरोबर पावने नऊला पडलं, खाली पार्किंग भरपूर होती, गाड्या वगैरे भरपूर होत्या। पण ते पावने नऊला पडलं ते आधी आम्ही भोपळे सरांना सांगितलं, त्यांनी तिकडे पॅक करून शेण टाकलं शनिवारच्या दिवशी, आणि हे रविवारी पावणे नऊला हे खाली गेलं पावसामुळे, भरपूर पाऊस होता, पण गाडीवरती एकही खडा गेला नाही, काय नाही, कारण एवढं जागृत स्थान आहे मोठ्या बाया। हे मोठ्या बायांचं स्थान आहे, त्याला शीतलादेवी बोलतात, सत्यासरा बोलतात, मोठ्या बाया बोलतात, आणि हे नवसाला पावणारी आई। आपण बोलतो चिकन बॉक्स, हे काजण्या वगैरे येतात। आता हे स्वयंभू तुम्हाला दाखवतो, दिसते बघा पोळी पोळी आपण, हे चिकन बॉक्स सारखे दिसतात, हे स्वयंभू मूर्ती। आणि या सात बहिणीमध्ये एक भाऊ गवळा, घुंगराची काठी जो ना तो हा गवळा, हे तुम्ही जवळ दिसून आपण चिकन बॉक्स काजण्या निघतात ना, काजण्या आणि जागृतस्थान। आता हे चिकर भाविक बोलतात कधी होणार कधी होणार, आता आई त्यांना बुद्धी देईल तेव्हा सगळंच होईल। आम्ही पण म्हणतो कधी होईल, कधी काय गोष्टी सुधारणा होतील करावा, ही आमची आणि भाविकांची इच्छा आहे, अशी नम्र विनंती करतो। गजब, इसे तो हम देवी की शक्ति ही कह सकते हैं, वरना एक दीवार टूट कर नीचे गिर जाए और वहाँ खड़े वाहनों को खरोच तक ना आए, ऐसा संभव तो नहीं लगता। लोग देवी दर्शन को आते हैं तो अपना सुध बुध भी खो देते हैं। वो भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उनकी क्या स्थिति है। कह सकते हैं वो समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। माँ के दर्शन को आए हैं तो बिना आशीर्वाद लिए कैसे जा सकते हैं? भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते भी हैं, लेकिन दिल किसका मानता है। और जब आप समाधि की स्थिति में हो
तो फिर अपनी सुध किसे रहती है। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु यहाँ बलि देने का तरीका भी बड़ा अलग है। और यहाँ हवन कुंड में नारियल की भी आहुति दी जाती है। देवी की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। देवी में लोगों की ऐसी आस्था है कि वो अपने घर में होने वाले शादी ब्याह का पहला निमंत्रण भी एक विराई को ही देते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने भी यहाँ आते हैं। और आप यहाँ जिससे भी मिलेगा, सबकी जबान पर एक ही बात होगी, देवी की कृपा अपरंपार है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर वैसे तो इन पहाड़ों पर बना है, मगर यहाँ उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। मंदिर तक जाने के रास्ते में दोनों तरफ पूजा सामग्री और प्रसाद की ढेरों दुकानें हैं, जहाँ से आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। मगर देवी की पूजा के बाद पेट पूजा भी जरूरी है, तो उसकी भी यहाँ उचित व्यवस्था है। और हाँ, अगर आप यहाँ ठहरना चाहें तो ठहर भी सकते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि यहाँ आने के बाद शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का बोध होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर गया हो।